पब्लिक टीवी आपकी आवाज। लगातार हो रहे हादसों के बाद भी मुरादाबाद परिवहन विभाग अपनी गहरी नींद से नहीं जाग रहा है। लोगों द्वारा लगातार परिवहन विभाग और पुलिस प्रशासन को गहरी नींद से जगाने के लिए मौत के सफर के वीडियो वायरल किए जा रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से डग्गामार वाहन चालक चंद पैसों के खातिर मौत का सफर तय कराने को मजबूर है, मौत का सफर तय करा रहे हैं। डग्गामार वाहन परिवहन विभाग की मिली भगत के चलते इतने बेखौफ हैं कि मुरादाबाद आगरा हाईवे पर बने आरटीओ ऑफिस के सामने से वाहन ले जाते साफ देखे जा सकते हैं। परिवहन विभाग हाथ पर हाथ धरे खामोशी से तमाशा देखता रहता है। आखिर क्या वजह है ये कोई जान नहीं पाता। बताते चले कि इन्हीं डग्गामार वाहनों के कारण आए दिन मार्ग पर दुर्घटनाएं होती रहती हैं और लोग लगातार मौत की आगोश में सो जाते हैं, परंतु विभाग इन पर कोई भी कार्यवाही करने को राजी नहीं है। फिलहाल एसडीएम बिलारी कुंवर पंकज सिंह ने डग्गामार वाहनों की उनके पास शिकायत न आने की बात कहकर इससे पल्ला झाड़ लिया है। आगे की कार्रवाई की बात कही गई है। देखना ये होगा कि आखिर कब तक परिवहन विभाग और पुलिस प्रशासन अपनी गहरी नींद से जागेगा या फिर लोग यूं ही मौत का सफर तय करते रहेंगे। नहीं, प्रश्न आप लोग पूछते हैं, लेकिन जब जानकारी मिलती है अगर कोई भी प्राइवेट डग्गा मार वाहन की, मैं से लगभग मैं यहाँ करीब 3.5-4 साल से एसडीएम हूँ, लेकिन ऐसी कोई शिकायत मुझे नहीं मिली कि कोई प्राइवेट डग्गा मार वाहन है और वो कोई चला रहा है। अगर निश्चित रूप से ऐसी कोई जानकारी मिलती है तो उसके विरुद्ध अभियान चला के इन सब प्राइवेट डग्गा मार वाहनों को बंद कराया जाए।